बस से निम्बाड़ा पापा के वहाँ जा रहे थे, ट्रेवल कर रहे थे, तो जीप के अंदर क्या एक लड़का बैठा है, तो उसने क्या ड्रिंक वगैरह कर रखी थी और वो क्या अजीब तरह की हरकतें करने लग गया। उसने पहले तो पाँव टच किया, तो उसको हमने समझाया भैया पाँव हटा लो, फिर भी वो नहीं माना। पहले एक बार तो हटा लिया, फिर दूसरी बार फिर पाँव टच कर रहा है, तो फिर उसको बोला भैया आप मान जाओ पाँव हटा लो, दो बार उसको बोल चुके थे हम। उसके बाद में गाड़ी में से और वो खड़ा हुआ ही था, हमने सबसे पहले उसका मोबाइल छीना, उसके थप्पड़ मारे, खींच खींच के उसको खूब मारा, उसके बाद में पाँव में से जूती निकाली, जूते से उसको खूब पीटा। औरत कुछ हाथ उठा रही है तो जेंट्स को ध्यान देना चाहिए ना कि लेडीज़ क्यों मार रही है, लेकिन उन लोगों ने नहीं समझा और उल्टा हमें ही समझा रहे थे, बहन रुक जाओ कितना मारोगे इसको, ये मार मार के वैसे ही आपने इसको लाल बना दिया। बोले इतना क्यों मारे जा रही है उसको, मैंने कहा पहले जब वो टच कर रहा था उसको समझा रहा, उस समय आपको बोलना चाहिए, उस समय तो कोई नहीं बोल रहा। दूसरी बहन का तुम तमाशा बन रहे हो, कोई औरत मार रही है जाके तुम भीड़ जमा कर रहे हो, तमाशा बना के देख रहे हो, फोटो खींच रहे हो, वीडियो बना रहे हो, उसको वायरल कर रहे हो, लेकिन उसके वायरल करने से पहले सोचो ना कि हुआ क्यों है। सरकार ने हमें बहुत सारा मतलब लेडीज़ के लिए बहुत सारे पुलिस दल प्रशासन सब रहता है, लेकिन हर जगह पुलिस दल नहीं हो सकता है हमारी रक्षा के लिए, और आए दिन हम देख रहे हैं कितने ही कांड कुछ ना कुछ हो ही रहे हैं, तो लेडीज़ को स्वयं को कदम उठाना होगा।